मंदिर, यहाँ पहाड़ी मंदिर ये है भाई, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति। सामने देखो हुंडई का शोरूम है, यहाँ से मस्त भी है। तो कल जा रहे हैं रांची, ये मेरा सोलो ट्रिप होने वाला है क्योंकि मम्मी और दीदी, जैसा कि आपको पता था या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट मम्मी और दीदी रांची में थी क्योंकि दीदी का एग्जाम चल रहा था। अब दीदी का एग्जाम हो गया है तो हम जा रहे हैं रांची, और ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप होने वाला है भाई। ट्रिप तो नहीं कह लो, अब यहाँ तिलैया से रांची में ट्रिप का क्या, बट मतलब एक सोलो होने वाला है कि अकेले भाई जा रहे हैं, पापा रहेंगे यहीं पे, हम जा रहे हैं अकेले। तो अभी सामान अरेंज कर रहे थे, सोच रहे हैं एक अपना वही जो स्कूल बैग है उसी में, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, टी शर्ट वीशर्ट डालना है थोड़ा सा चेंज वेंज करने का बस, तो बस एक बैग में ही अपना सारा सामान ले लेंगे। तो अब मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही, वरना ब्लॉग के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट सामान भूल गए तो मम्मी उधर सुनाएगी कि ये लेके नहीं है। बाय। The next day, फिर अगले दिन घर को बाय बाय करके हम निकल गए रांची की ओर। 2 hours later, फिर वहाँ पहुँच कर मिले दीदी से जो कि हमको रिसीव करने के लिए आई थी। अभी जा रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए, देखते हैं 10 दिन बाद मम्मी के रिएक्शन। वेलकम टू माय ब्लॉग। ये आ गए अभी दीदी का रूम, आगे का ब्लॉग थोड़ा देर बाद कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आ गए दीदी के साथ शॉपिंग करने के लिए, हाय करो। हाय। लोग यार रांची उतरे नहीं कि तुरंत आ गया, खर्चा करवाने जाएंगे इससे। अब भी हम लोग को मिल गई यहाँ प्यारी सी बच्ची, इसका बात नहीं कर रहे इसका बात कर रहे हैं। कहाँ से उठा के लाई बच्ची तो, हाँ कहाँ से लाई उठा के, कहाँ से उठा के लाई बच्ची, पुलिस में इसको देखिए, बच्चा उठा के ला रही है, बच्चा उठा के ला रही है कहीं से, बच्चा उठा के ला रही है, बच्चा चोर है। जैसे ही मम्मी के पास आती है खिलखिलाने लगती है एकदम, अभी हमको देख रही ध्यान से कौन है ये बंदा, कौन है ये बंदा, कहाँ से आया ये बंदा। तो अभी पहुंच गए यार छत पे, सामने देखो हुंडई का शोरूम है, यहाँ से मस्त व्यू, बस ऐसे टाइम पास कर हम छत पे क्या। तो अभी बन रहा है रात का खाना भाई, पराठा और भुजिया, यहाँ मम्मी बना रही है, हम बस देखने के लिए। The next day. आज है अगला दिन और आज जा रहे हैं मंदिर, यहाँ पहाड़ी मंदिर है तो वहीं जा रहे हैं, अभी करवाते हैं दर्शन, मंदिर के लिए प्रसाद ले रहे हैं। हमें टीका कैसा लग रहा है, यहाँ से सीनरी देख लीजिए पीछे, क्या सुंदर लग रहा है, एकदम जबरदस्त लग रहा है भाई साहब देखने में। तो अभी हम लेके बैठे हैं आम, आम काटेंगे, आम मस्त खाएंगे यार, गर्मी का एक ही मजा, मालदा आम किसका किसका फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना यार। The next day. तो आज है day 3 और अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क, लगभग सब तैयार हो ही गया, बस अब निकलना ही है। तो महानौटंकी बाज है एकदम, पहुंच गए हम लोग पार्क, बंद है, ये था भाई मेन गेट, हम लोग उधर पगला रहे थे, टिकट लेना और अंदर जाना, किधर से घूमने का स्टार्ट, किधर से करना, अच्छा ये है भाई भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति, जूम थोड़ा सा करते हैं, 1875 to 1900, ये देख लो गाइस थोड़ा सा और पास से, तो ज़्यादा ही नज़दीक हम आ गए हैं। ये है भाई जेल, ये हिस्ट्री ऑफ जेल है, जिसको पढ़ना होगा पॉज करके पढ़ लेना भाई, देखो पहले ज़माना का आदमी, मिट्टी का घर भाई, पूरा गांव वाला फीलिंग दिलाता है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के, बड़ा अच्छा चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, जितना भी फ्रीडम फाइटर्स दिख रहा है सब झारखंड के, एक तरह से प्राउड मोमेंट भी कह सकते हैं, सबका मूर्ति के साथ साथ जन्मतिथि भी दिया हुआ है। पार्क में घूमते घूमते हो गया रात, और रात का नज़ारा और अच्छा है, बहुत सही है भाई, देख लो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं भाई कोई अच्छा सा जगह फोटो खिंचाने के लिए। तो
ये है भाई हमारी बचपन की यादें। तो यार हम लोग घूम लिए पूरा पार्क, घूम के हम लोग गए हैं थक गए हैं, अब जाएंगे घर। ये मैडम जी आज हम लोग को घुमा दी पूरा पूरा रांची ही जानती है। अगर रांची घूमना होगा तो इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। क्या सोचे थे घर जाने के लिए टोटो लेंगे, बट यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ है कि भाई टोटो का कोई फ़ायदा नहीं। इधर देखो जैसे